हाँ तो तो ना। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले भैया एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में तो इसका एनालिसिस कर लो लो या फिर कह लो तो लोगों को एक वो जो गाइडेंस होता है ना सिलेबस का वो चीज है क्यों? क्योंकि पीडीएफ तो मिल जाती है उसमें पल्ले नहीं पड़ती प्री का कौन सा मेन का कौन सा ये वाली चीज़ें और उसका लाभ बहुत सारी दिक्कत होती तो उसका एनालिसिस कर रहे हैं सबसे बड़ा डाउट जो बिगनर और एक्सपर्ट सब लोगों का कि सिलेबस कब बदलता है तो मैं देखो पिछला ट्रेंड बता देता हूँ लगभग दो हजार चौदह पंद्रह के समथिंग एक बार सिलेबस बदला था एम का क्लियर उसके बाद से फिर लगभग पांच साल बाद बदला है कब उन्नीस बीस में ये यहाँ पे लिखा भी है देखो बीस से लागू कौन सा नया वाला सिलेबस देखा जाए तो ठीक है तो लगभग पाँच साल में बदला था अब पाँच साल आप जोड़ लो मान लो थोड़ी देर के लिए कि भैया बीस से इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस तो पच्चीस छब्बीस का समथिंग एक बार बदल सकता है ऐसा मानना है ठीक है और ये हो सकता है जरूरी नहीं कि हो जाए लेकिन पिछले दो पैटर्न अगर देखा जाए तो लगभग पाँच छः साल में एक बार पी सिलेबस बदल रहा है तो वैसे ही सिस्टम हो सकता है शायद हो जाए लेकिन एक चीज़ और मैं बता आपको अगर सिलेबस चेंज होता है मान लीजिए कि 2026 में सिलेबस चेंज होता है तो उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट शायद जुड़ सकता है प्री में माइनस मार्किंग आ सकती है उसका लेवल बहुत अच्छा हो सकता है लेवल कैसा हो सकता है कि यदि अभी आपके जो प्री में क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है और उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे ना वो कोर्ट में आएंगे जैसे कि आप यू में देखते हो ना उस टाइप के पैटर्न के अभी जो यू का लेवल है उस लेवल को थोड़ा सा टच करने की कोशिश करेंगे अभी तक के जितने भी स्टेट पी उसमें सबसे रद्दी या सबसे ईजी अब मत कहना भैया इजी है तो निकल क्यों नहीं ला वो एक अलग बात है ये निकलने में तो यू पी नहीं, नहीं निकल रहा लेकिन सबसे इजी अदर पीएससी की तुलना में सबसे इजी अभी एम पी पी है ठीक है।, है तो उसको थोड़ा टफ बनाएंगे अगर चेंज होता है तो नहीं होता है जब तक तो आपको यही पढ़ना है तो अगर आपकी पंचवर्षीय योजना है कि तीन चार पाँच साल तो अभी यही पढ़ना तो पढ़ो कोई दिक्कत नहीं इस सिलेबस के में अगर आप कन्फ्यूजन में हो या तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो बिल्कुल आ जाओ शानदार तरीके से मैं बता देता हूँ अब देखो शुरू से सुनना पूरी बात को यहाँ पे क्या होता है राज्य ये अपना आ जाता प्रिलिम्स प्रिलम्स आ जाता उसके बाद मेन आता है उसके बाद में इंटरव्यू आता है तो इंटरव्यू तक अभी अपने को नहीं जाना है अब कहाँ पे जाना है प्री और मेंस पे तो अभी इस वीडियो में अपन बात करने वाले स्पेशली प्री की प्री की क्या क्या दिक्कत है और प्री का कौन सा सिलेबस कहाँ से अपने क्या सिस्टम करना है वो सारी चीज़ मैं आपको बताता दो देखो इधर आओ जो बिगिनर स्टूडेंट है उसको बता रहा एकदम क्लियर कट ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा ताकि आप अपने हिसाब से इसको और पढ़ लेना लेकिन यहाँ पे समझ लो देखो यहाँ पे होता क्या भैया प्री में आपको दो पेपर होते हैं पहला प्रश्न पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है दूसरा होता भी है क्या सामान्य अभिरुचि एवं परीक्षण का ठीक है मतलब आप जब भी एग्जाम सेंटर पे पे पर पेपर देने जाओगे ना तो पहले एक पेपर होगा आपका जो सब लोगों का होता है दूसरा भी वो भी सब लोगों का होता है लेकिन लेकिन जो आपका एक्चुअल सिलेक्शन डिपेंड करता है वो किस नम, किस पेपर पर पे डिपेंड करता है ये सामान्य अध्ययन वाले पे दो घंटे में होगा ठीक है दो अंक का रहेगा इसमें आपका जो आप पढ़ते हो ना जो सिलेबस पढ़ते हो एमपीपीएससी में कौन सा सिलेबस कि हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी इकोनॉमिक जो पढ़ते हो ना आप ये वाले दस यूनिट है ये दस यूनिट किस में आएंगी ये आपकी दस यूनिट आएंगी इस पहले पेपर में ठीक है अरे भैया मेरे चल जा रहे इसे क्या करें फेलोजान छोड़ी ठीक है पहले पेपर में आएगी ये दो घंटे में जो होगा लेकिन दूसरे पेपर का क्या इंपोर्टेंस है तो दूसरे पेपर का मैं इम्पोर्टेंस बता दूं उसका सिलेबस जो है ये अभिरुचि एवं परीक्षण इसको नॉर्मली वीक में एक आध बार इसका टेस्ट लगा लिया करो इसका क्या इम्पोर्टेंस है नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा होगा ना जाना कुछ नहीं इसमें एक पासिंग मार्क्स चाहिए तैतीस लेकिन होता उससे ये है कि अगर मान लो बिगिनर लोग सुन लेना स्पेशली अगर मान लो ये सेकेंड जो पेपर है तुम्हारा ठीक है ये वाला सेकेंड पेपर है इस सेकेंड पेपर में अगर आपके कम नंबर आए या तैतीस परसेंट नंबर नहीं आए आप फेल हो गए तो आपका जो फर्स्ट पेपर है ना इसकी कॉपी ही चेक नहीं होंगी आई बात समझ में स्पेशली मैं बता दूं बिगनर लोगों को जिनको नहीं पता है जो पीएससी में घुसने का सोच रहे हैं तो अपने को सेकंड पेपर भी पढ़ना है फर्स्ट भी पढ़ना है अब आपकी कॉपी पहले ये चेक होती है पेपर पहले कौन सा होगा पहले ये सामान्य अध्ययन वाला फर्स्ट पेपर होगा उसी के बाद दो तीन एक दो घंटे के गेप के बाद आपका दूसरा पेपर होता है लेकिन दोनों में से कॉपी किसकी पहले चेक होती है ये दूसरे वाले की दूसरे वाले की कॉपी चेक होती है उसमें अगर तुम्हारे इतने नंबर आ जाते हैं कि हाँ तुम केपेर हो पास हो गए उसमें से साठ पासिंग मार्क्स आ गए तो तुम्हारी ये फर्स्ट वाली कॉपी चेक होगी नहीं तो उसकी कॉपी चेक ही नहीं करेंगे भले चाहे तुमने टॉप कर दिया हो उसमें आई बात समझ में तो कितना इंपॉर्टेंस रखता है यहीं पे देख लेना अब बात करते हैं अपने सिलेबस की सामान्य अभिरुचि में परीक्षण जो सेकंड वाला पेपर है इसको नॉर्मली कोई नहीं पढ़ता और कोई एकेडमी पढ़ाती भी नहीं है तो भैया फिर हम क्या करेंगे उसका कुछ ही नहीं है इसके प्रीवियस ईयर की एक बुक आएगी वो बुक लिखाना उसके क्वेश्चन लगाना बस इतना बहुत है क्यों क्योंकि उसमें पासिंग मार्क्स चाहिए वही जैसे ट्वेल्थ में होता था लिया तैतीस नंबर लिया टेंशन खत्म जैसे तैतीस चाहिए कुल मिलाकर अगर दोस्तों अंकों का तो लगभग छाछ सत्तर नंबर मान लो सत्तर नंबर लगभग आपको चाहिए इससे ज़्यादा नहीं चाहिए उसमें मैथ रीजनिंग और भी दुनिया भर की धक्क्रम चीज़ें आती है इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर बारहवीं तक ढंग से पढ़ाई करी होगी तो पास हो जाओगे क्लियर अब बात करते हैं स्पेशली प्री की प्री में ही पूरा जी जान झोंकते लोग और प्री को ही पढ़ते हैं अपन प्री पे आते फोकस डालते हैं और यहाँ पे आके बैठते हैं और बिल्कुल बाकायदा शांति से देखते हैं ठीक है अभी देखो ये वा, पूरे सिस्टम दे रखा है ये पीडीएफ में मिल जाएगा इसको सबको मैं बोल के बता रहा हूँ आपको पढ़ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ ठीक है अब अपन बात कर लेते हैं भैया किस चीज़ की स्पेशली अपने सिलेबस की तो एक्चुअल में जो अपना सिलेबस है ना वो यहाँ से स्टार्ट होता है देखो जो सिलेबस अपने को पढ़ना है ना वो सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है कौन सा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन ये जो है ना ये प्री का सिलेबस है जिसमें क्या पहली यूनिट है जिसके बाद में दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं ऐसे करके कितनी यूनिट आएंगी टोटल यूनिट में बता रहा हूँ आपको कितनी आएगी दस यूनिट आएगी ठीक है जो बिगिनर लोग सुन लेना ढंग से जरा दस यूनिट आएगी हर यूनिट से नियम तो ये कहता है कि हर यूनिट से इनको दस क्वेश्चन पूछने रहते हैं लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है ठीक है जैसे कि मान लो ये दसवीं यूनिट है दस यूनिट से दस क्वेश्चन आएंगे तब जाकर इनके सौ क्वेश्चन हो जाएंगे और एक क्वेश्चन रहेगा दो नंबर का तो दो सौ नंबर का पेपर होता है ठीक है लेकिन इस यूनिट से जरूरी नहीं कि दस नंबर का ही पूछे ऐसी कोई बाध्यता नहीं है हो सकता है इससे पंद्रह नंबर के पूछ ले किसी यूनिट से पाँच नंबर के पूछे जैसे कि इकोनॉमिक के क्वेश्चन अपने एम में कम आते हैं और दूसरे सब्जेक्ट जैसे आयोग के अच्छे आ जाते हैं इस तरीके से लेकिन एक नियम ये कहता है कि दस नंबर के पूछना चाहिए उनको और वो नियम लिखा का है किसी को नहीं पता इसलिए उनके मन से पूछ लेते हैं ठीक है तो ये दस यूनिट है अब मैं आपसे बोलूँ कि भैया अगर आपको पी स्टार्ट करनी हो और आप कन्फ्यूजन में हो कि यार ये यूनिट कहाँ से पढ़े और किस बुक से पढ़े तो देखो मैं सोल्यूशन बता देता हूँ तुमको ये पूरी दस यूनिट है इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना प्री में आपको दस यूनिट का पूरा सिलेबस

और आप अगर बिगनर स्टूडेंट हो और बिगनर मतलब इतने कि थोड़ा बहुत समझते हो थोड़ा बहुत तो पढ़े होगा जाहिर सी बात है एम पी पी एस सी में ऐसे लूला पाटियम कोई नहीं कुदाता थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ा है तो आप स्टार्ट करो दसवीं यूनिट से मेरा मानना है क्योंकि दस यूनिट से दस से बारह क्वेश्चन तो आते ही आते हैं हर साल आते हैं बिल्कुल फिक्स है और ये ईजी भी पड़ती कहीं ना कहीं ईजी मतलब इसलिए पड़ती जैसे बारहवीं पास की और आप आगे पढ़ने तो इसमें रटने में थोड़ी आसानी रहती है मतलब रटने वाला ही पोर्सन है एक तरीके से देखा जाए तो और कुछ भी नहीं है सबसे ज्यादा बच्चे इसी को भूलते हैं और रिविजन भी सबसे ज्यादा करते हैं इसलिए अपने को यही पढ़ना सबसे पहले क्या दसवीं यूनिट पढ़ना है कौन से राष्ट्रीय प्रादेशिक

आपको लगे कंप्लीट हो गए उसके बाद नाइन्थ यूनिट पढ़ लेना नाइन्थ यूनिट ये रही आपकी क्यों भैया दसवीं और नाइन्थ क्यों पढ़ने का बोल रहा हूँ पहली बात दसवीं आपको इजी पड़ेगी और दसवीं आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो इसकी मुश्किल से 180 पेज नंबर की 180 पेज की बुक आती है लगभग और नवी यूनिट की भी एक पेज की बुक आती है इन दोनों से छोटी यूनिट कोई सी है ही नहीं मतलब सब लगभग बड़ी बड़ी आती थोड़ी सी ज़्यादा पेज की आती ये दोनों सबसे छोटी पड़ती इसलिए तो आप अगर इनको ढंग से पढ़ोगे तो एक महीने दो महीने में दोनों कंप्लीट कर लोगे ठीक है इसलिए पहले ये पढ़ना है और इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं बता रहा हूँ और ये दोनों रिवीज़न मांगती है तो इनको पढ़ लो रिविजन करते रहना तो नवी और ये दसवीं दोनों यूनिट पढ़नी नवी यूनिट में क्या भैया है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सिर्फ प्री का सिस्टम ही है, है ना उसके बाद में आती है आठवीं यूनिट आठवीं यूनिट को नहीं पढ़ना है पहले दसवीं पढ़ी फिर नवी पढ़ी आठवीं को छोड़ दो आठवीं को कब तक छोड़ दो जब तक आप मान लो कि कोई बिघन स्टूडेंट है एक साल दो साल तीन साल चार साल बाद एग्जाम देगा तो चार साल तक प्री आठवीं यूनिट को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्यों नहीं है आवश्यकता क्योंकि आता है उसमें करंट आप करंट एग्जाम देने के तीन महीने पहले दो महीने पहले एक महीने पहले भी पढ़ोगे तो हो जाएगा अगर आपके पास इतनी सामान्य बुद्धि कि आपने ये सारी चीजें कंप्लीट कर रखी हैं तो ठीक है तो, तो आठवीं यूनिट को लास्ट तक स्किप ही कर देना एक्स्ट्रा टाइम हो तो पढ़ लो नहीं तो स्किप कर दो मेरा ही मानना है तो पहले दसवीं फिर नाइन्थ उसके बाद में क्या होता है उसके बाद में आपकी आती है सेवंथ यूनिट सेवन्थ यूनिट क्यों भैया सेवंथ यूनिट भी आपकी लगभग एक सौ अस्सी डेढ़ सौ पेज की बुक आती है पतली सी उसमें काम हो जाता है आपका तो ये सेवन्थ यूनिट है उसके बाद आपको क्या पढ़ना सेवंथ यूनिट पढ़ना है अब आपके तीस नंबर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पक्का हो चुके हैं अगर मान लो इसमें दस क्वेश्चन आए और दस में से दस तुम बना के आ गए मतलब दस में से दस सही कर दिए तो तुम्हारे दस नंबर पक्के मतलब तीस क्वेश्चन पक्के हो चुके हैं दसवीं नवीं और एक सातवीं आठवीं तो अपन छोड़ चुके हैं उसके बाद में बाकायदा शांति से इधर आओ और ये तीनों यूनिट में सही बताओ ना अगर कोई बिल्कुल इतना कि पहली बार ही पढ़ रहा है तो एक महीने में दसवीं एक महीने में नवीं एक महीने में सातवीं पढ़ सकता है और कोई थोड़ा सा मेच्योर बंदा है जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है मतलब इस फील्ड का नॉलेज रखता है तो एक महीने में तीनों कर सकता है ठीक है उसके बाद में काम है आपने को अब देखना अब मैं आपको बता देता हूँ देखो तीन सब्जेक्ट अब पूरा इसका काम हो गया अब मैं आप यहाँ पर समझाता हूँ एम पी पी एस सी का जो सिलेबस है उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी इकोनॉमिक आता है इकोनॉमिक वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं अभी तीन सब्जेक्ट याद रखो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इसमें से पहली यूनिट तीसरी यूनिट और पांचवी यूनिट अभी इधर पहली यूनिट और तीसरी यूनिट और पांचवी यूनिट में क्या है मैं आपको बताता हूँ यह है पहली यूनिट पहली यूनिट में क्या है पहली यूनिट इसमें क्या है इतिहास है किस चीज़ का इतिहास है ये देखो मध्य प्रदेश का इतिहास तो पहली यूनिट और तीसरी यूनिट ठीक है पहली के बाद आती है तीसरी यूनिट मध्य प्रदेश का भूगोल मध्य प्रदेश का इतिहास फिर मध्य प्रदेश का भूगोल और तीसरी यूनिट के बाद में फिर कौन सी आती पांचवी यूनिट जिसमें क्या आता मध्य प्रदेश का पॉलिटी और मध्य प्रदेश का इकोनॉमिक तो ये जो तीनों यूनिट है एक ही बुक से कंप्लीट हो जाएगी ये बुक भी मैंने बता रखी वहाँ पर आपको बुक लिस्ट में वो भी देख लेना तो यहाँ से तीनों कंप्लीट हो जाएंगी अब आप जिस दिन आपकी सेवन्थ यूनिट स्टार्ट करो नाइन्थ और टेंथ इन तीनों के साथ ही ये तीन यूनिट भी कर लो अगर आप एक बुक पढ़ ले तो एम की तो आपका तीनों यूनिट कंप्लीट हो जाती है और तीनों यूनिट मतलब तीस से पैंतीस नंबर आपके पक्के हो जाते हैं आई बात समझ में तो ये हो गया सिस्टम अब क्या बचा पूरे सिलेबस में पूरे सिलेबस में अगर एक्चुअल में कुछ बचा है तो क्या बचा है हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी अभी तो हुआ तो अभी जो हुआ वो एम का हुआ अब देखो अब बस्ती आपकी कौन सी ये देखो अभी पहली यूनिट तो अपने एम की देखी अब दूसरी यूनिट पहली यूनिट में क्या है भैया मध्य प्रदेश का इतिहास दूसरी में क्या है भारत का इतिहास तो दूसरी चौथी और जिसके बाद में कौन सी आती है छठी दो चार छः दो का पहाड़ा दो चार छः तो दो में हिस्ट्री ज्योग्राफी और फिर पॉलिटी इकोनॉमिक दोनों साथ में आती हैं ठीक है तो ये जो सिस्टम है इस तरीके से चलता है अब देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इनकी भी मैंने बुक लिस्ट बता रखी कि वो पढ़ लेना आप लेकिन सबसे कम इंपॉर्टेंस कौन सी यूनिट रखती है तो देखो दसवीं नौवीं सातवीं ये तीनों हो गई बहुत इंपॉर्टेंट कोई दिक्कत नहीं इसके बाद में अपनी आती है पहली तीसरी पांचवी एम के तो बिल्कुल ये मान के चलो जिस दिन से तैयारी स्टार्ट करो उससे लास्ट तक ही पढ़ना है ये हो गया अब उसके बाद में दो चार छः ये यूनिट जो बचती इनमें ये जो है ना इनको चाहो तो सबसे लास्ट में पढ़ सकते हो या फिर चाहो तो इनमें से जैसे मैं बताता हूं अगर इन तीनों में मैं बोलूं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी तो सबसे पहले कौन सी पढ़े तो पॉलिटी पढ़ लो ठीक है पॉलिटी पढ़ लिया उसके बाद में जियोग्रफी और हिस्ट्री बचता है सबसे लास्ट में अगर पढ़ना है और सबसे कम इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट तो वैसे बहुत है बट सबसे लास्ट में हिस्ट्री पढ़ने का क्यों बोल रहा हूँ मैं क्योंकि हिस्ट्री में देखो मैं बताता हूँ आपको प्राचीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीन इतिहास आते हैं उसमें प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक और कोई माए लाल फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहा है तो इन पूरे तीनों के तीनों इतिहास को पाँच से सात महीने में पहले कंप्लीट कर ले पॉसिबल ही नहीं है कोई बिगिनर कर पाए तो एक मतलब ये मान के चलो सात आठ महीने तो लग ही जाते हैं उसको तो ये इतना मतलब आप खुद सोचो अब मैं आपसे बोलता हूँ दसवीं यूनिट है ठीक है दसवीं यूनिट में कितने एक सौ अस्सी पेज पढ़ने पड़ते हैं इतिहास में प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक इतिहास और हर एक की बुक लगभग 200 से 250 पेज की आती आती है तो दो को दो तीन चार छह सौ पेज और इधर 180 पेज 180 पेज पढ़ के भी आपके कितने दस नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। और इधर छः सौ पेज पढ़ के भी आपके दस नंबर कंप्लीट हो रहे हैं तो पहले कौन सी पढ़ोगे अब हो सकता है कि दोनों में से दस दस क्वेश्चन आए लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सी है ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये वाली तो पहले ये कंप्लीट करो दस नंबर पहले पक्के करो अपने ऐसे दस नंबर जो पहले ईजी भी पढ़े और अपन पढ़ भी सके और जल्दी कंप्लीट हो जाए वो कंप्लीट करो तो इस हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है तो ये इनमें सबसे पीछे कौन आता है सबसे पीछे आता है हिस्ट्री उसके बाद जियोग्रफी उसके बाद पॉलिटी आता है ठीक है आई बात समझ में क्लियर बिल्कुल क्लियर कट कोई दिक्कत नहीं ये सारी चीज़ें और सबसे लास्ट में अगर कुछ पढ़ना है आपको तो वो क्या पढ़ना भैया ये आपकी जो एट्थ यूनिट है ना ये पढ़ना है ये पूरा सिस्टम जो था बिगनर स्टूडेंट के हिसाब से था और मैं फिर बता दू तुमको बिगनर स्टूडेंट के हिसाब से था बिगनर को ताकि समझ में आए कि अच्छा पहले क्या पढ़ू पहले क्या पढ़ू पहले क्या पढ़ू ऐसा सिस्टम था अब कोई एक्सपर्ट व्यक्ति जो अभी वाला प्री दे रहा हो तो फिर उसके हिसाब से अलग सिस्टम है ठीक है वो अपने हिसाब से थोड़ा दिमाग लगा लो उसके लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी वाले वीडियो बना रखे उनमें पूरी एकदम क्लियर चीजें बताइए बिल्कुल तर्क के साथ तो वो देख लेना बाकी इसका मेन्स वाला वीडियो भी बनाना है कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेंस का बना बना थोड़ा इजी पड़ेगा तो मैं बना दूंगा बाकी इसकी बुक जरूर देख लेना अगर थोड़ा सा भी में हो ना यार नहीं पड़े पड़े क्या, पड़े, क्या, पड़े, क्या पड़े, तो बुक लिस्ट वाला वीडियो देख लो दावे के साथ बोल रहा हूं कि डाउट तो बिल्कुल इतना झेले बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत थैंक यू